हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपको मैं लेकर जा रही हूँ सरोजनी नगर, एंड ये सरोजनी नगर मार्केट गेट नंबर 3 की तरफ ही आपको मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा। मेट्रो स्टेशन से जैसे ही आप एग्जिट करेंगे, गेट नंबर 3 आपके सामने होगा। यहाँ पे कुछ सिक्योरिटीज हैं, आपको वो सिक्योरिटी क्रॉस करनी होती है एंड देन आप मार्केट के अंदर आ जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले एंटर करते ही यहाँ पे बहुत सारे पर्स के कलेक्शन मुझे दिखाई दिए। बहुत क्लासी पर्स कलेक्शंस थे, लेदर के थे। आप देख सकते हो ये जो प्राइजेस है ना, इनके शुरू हो जाते हैं 200 से। यहाँ पे लिखा हुआ भी है 250 का है ये सारे पर्स। तो इनमें से आपको जो भी पसंद हो आप ले सकते हैं, जैसे गुची, सब्यसाची, इन सब का लोगो आपको दिख जाएगा। एंड अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो आप देखिए 250 वहाँ पे मेंशन है। उसके अलावा आपको क्लचेस वगैरह भी यहाँ पे मिल जाएंगे। ये जो बड़ा बैग आप देख रहे हैं ये भी 250 के रेंज में, जो मुझे काफी अच्छा लगा। ये सारे 250 के ना? दे है 300 का है दादा। ये 300 के हैं सारे? अच्छा, ये बड़े वाले 300 के, और वो वाले वो भी बैकपैक है ना? इनके यहाँ पे 100 रुपए से लेके 300 रुपए तक की वैरायटी थी। छोटा वाला 100, मीडियम साइज का जो था 200, एंड बैकपैक्स एंड थोड़े बड़े वाले 300 के रेंज में थे। इनके पास भी काफी सुंदर सुंदर कलेक्शंस थे, वाइड रेंज ऑफ कलर्स थे। गुची, सब्यसाची वाले लोगोज यहाँ पे बहुत सारे दिखाई दे रहे थे। काफी अच्छा कलेक्शन था। इस बार हम लोग गेट नंबर 3 से जैसे ही निकले ना, अंदर घुसे तो बहुत सारे पर्सेस के कलेक्शंस दिख रहे थे। एंड ये सारे ना प्रीमियम क्वालिटी वाले दिखते हैं ना, वैसा है, मुझे अच्छा लगा काफी। उसके बाद मैंने ये बैकपैक भी लिया था, काफी अच्छा लगा। मैं ट्रैवल करती हूँ ना तो ये वाला बैग बहुत काम आता है। उसके अलावा भी थोड़े पार्टी वेयर के हिसाब से यहाँ पे जो पर्सेस थे मुझे काफी अच्छे लगे। गुड टू गो वाला, इजी टू कैरी, जल्दी जल्दी से यू नो वैसा वाला था, तो मुझे काफी अच्छे कलेक्शन लग रहे थे। वैसे आगे वीडियो में और भी बैग्स के कलेक्शन में लेकर आऊंगी, बहुत सारे वीडियोस लेकर आने वाली हूँ आपके लिए। यहाँ पे आप देखिए ये वाले बैग्स जो है ना, मैंने 80 रुपीज में पहले भी खरीदा था, और भी बार्गेन हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे चेन भी हमने देखा था, ये 150 का आएगा, 3 पीस वाले 150 के। हाँ, ये 50 के, ये 50 के, ये वाले 50 के। अच्छा, ऑर्डर देना मैडम। तो यहाँ से थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और यहाँ पे हमें कॉस्मेटिक्स वगैरह मिल रहे थे, हेयर एसेसरीज एंड इयररिंग्स वगैरह भी मिल रहे थे। यहाँ पे रेंज था 30, 50 एंड 100। जो छोटे वाले हैं वो 30 के थे, बड़े वाले 100 के हैं। ये कितने के सारे? सारे 100 का, इधर 50 का, ये 30 का। ये 30 वाले, ये हो गए 30 वाले, ये 30 के हो गए छोटे, और ये 50 वाले हैं। और ये 100 के हैं, ये थोड़े बड़े झुमके आ गए, ये वाले। अब ज्वेलरीज देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमें कुर्तीज दिखती हैं। ये थोड़ा सा हैंडवर्क किया हुआ है, पहले नज़र में मुझे ऐसा लगा जैसे चिकनकारी की हुई है, बट नहीं, उसमें हैंडवर्क था। एंड यहाँ आगे अगर आप देखोगे ना तो बहुत सुंदर सुंदर टॉप्स हैं। तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस थे, मुझे काफ़ी अच्छे लगे। वाइब्रेंट समर के हिसाब से जो शर्ट्स होते हैं ना, कुछ उस प्रकार के यहाँ पे शर्ट्स थे, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। देखिए बहुत कलरफुल है। एंड येस, इट वॉज इन 150, बट जो ऊपर आपको मैंने कुर्ता दिखाया था ना रेड वाला, वो 600 का प्राइस कोट कर रहे थे। एंड ये जो है ना, ये शॉर्ट कुर्तीज थी जो 300 के रेंज में है, एंड काफ़ी अच्छे कलर्स हैं, वाइब्रेंट कलर्स हैं, आप देख सकते हो काफ़ी सारे इसमें कलेक्शन हैं। अच्छा, अगर मैं इनके साइज़ की बात करूँ तो देखो यहाँ पे आपको साइज अवेलेबल हो जाता है। हम लोग चेक कर रहे थे मटीरियल, तो मटीरियल वॉज रियन एंड कॉटन मिक्स काइंड ऑफ, एंड साइज भी इसमें आपको आसानी से अवेलेबल हो जाती है। आप पता कर
लीजिए कि आपके साइज का इनके पास है कि नहीं। मोस्टली हो ही जाता है, ये लोग बोलते हैं कि इनके पास है। तो ये सब देखिए, इनके कलेक्शंस भी काफ़ी अच्छे हैं। समर के हिसाब से बहुत ही कूल कलर्स यहाँ पे दिख रहे हैं, एकदम वाइब्रेंट वाले ना, ऑरेंज येलो, और सिर्फ 300 रुपये में शॉर्ट कुर्तीज कॉलेज वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा है। किसी ऑफिस वगैरह में भी पहनने के लिए ये सारी कुर्तीज अच्छी हैं, इंडो फॉर्मल लुक के लिए। तो यू कैन ट्राई दीज काइंड ऑफ कुर्तीज जो आजकल चल रही हैं यहाँ पे। एंड यस, अगेन साइज की बात करूँ तो प्लीज एक बार कंफर्म कर लेना कि साइज आपको ऊपर नीचे मिल जाएगा। यहाँ पे जो भी साइजेस हम देख रहे हैं, कुछ 38 है, 42 है, 32 है, कुछ ऐसे ऐसे साइजेस यहाँ पे मेंशन थे, तो हम लोग को लगा साइज इनके पास मिलेगा जैसे भैया ने बोला। तो यस, मैं ये भी रिकमेंड करूंगी कि साइज जरूर से चेक कर लेना। ठीक है, देन दे हैव पैंट्स फॉर लेगिंग्स भी है। तो यहाँ पे लेगिंग्स एंड पैंट्स वगैरह भी मिल रहे हैं। यहाँ पे देखिए शर्ट्स भी हैं, अगेन अनदर काइंड ऑफ कुर्तीज जो 250 के रेंज में है, आप ऊपर देख सकते हो 250 के रेंज में है। ये उससे थोड़ा सा कम मुझे लगा, मतलब क्वालिटी वाइज, बट देन इट वाज ओके डेली वेयर के हिसाब से। ऊपर में भी देखोगे तो बहुत सारे कुर्तीज एंड यू नो सूट्स के कलेक्शंस थे। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ना ड्रेसेस बहुत सारे थे, लाइक पैंट्स, शर्ट्स। ये देखिए, ये शर्ट्स हैं जो डेली वेयर में आप पहन सकते हो। यहाँ पे लोअर्स वगैरह मिल रहे हैं 200 रुपीज में। वो जो शर्ट दिखा रही थी वो 100 रुपीज में थे। काफी अच्छे अच्छे कलेक्शन इस बार आए हैं, समर के हिसाब से बहुत ही कूल थे, सो यू कैन ट्राई देम आउट। आप जब भी सरोजनी जाओगे ना तो आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिल जाता है। एंड यस, मुझे काफी अच्छे कलेक्शंस इस बार दिखे। लास्ट टाइम गई थी ना विंटर्स में गई थी, तो विंटर कलेक्शंस बहुत सारे थे। समर में आई तो बहुत अच्छा लगा। ये है 100, ये है 200 में। उसके अलावा ये देखो, 200 और 100 वाला तो मैंने दिखा दिया, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे भी बहुत अच्छे कलेक्शंस थे। ये सब कितने के भैया? 250 टॉम टॉप्स है। आपका शॉप नंबर क्या है? 62। आपका स्टार्टिंग प्राइस क्या है? ये कितने का है? 300 का है। लूज शर्ट्स भी है ना आपके पास? ये वाले ऐसे मैंने काफ़ी सारे सरोजनी नगर के मार्केट्स में देखा, जैसे काउंटर नंबर 60 से लेके 70 या कुछ ऐसे नंबर्स थे। उनमें से कुछ शॉप वाले तो बहुत अच्छे थे, वीडियोस बनाने दे रहे थे एंड पोलाइटली बात कर रहे थे, बट उधर में ही काफ़ी सारे यू नो लाइक शॉप वाले थे जो बहुत रूडली बात करते हैं। एंड आई रियली डोंट नो वीडियो क्यों नहीं बनाने देते, बिकॉज एक ही जैसा माल तो सबके पास है एंड कोई नई चीज़ तो है नहीं। एंड आप पब्लिकली रख रहे हो तो इट्स ओके, आपका प्रमोशन हम लोग कर रहे हैं एंड हम लोग ये आके परचेज भी करते हैं, सो इट्स गुड ना। ऑल ओवर द इंडिया ये चीज जाती है एंड सिर्फ सरोजनी दिल्ली में ही नहीं, काफी जगह फेमस है, काफी जगह से लोग आते हैं देखने के लिए। तो आई थिंक ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोग ही प्रमोट कर देते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? अगर कोई क्रिएटर जाता है उनके साथ ये होता है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताना। ये मेरे साथ पहली बार हुआ है तो आई थॉट मैं आप लोग के साथ ये बात शेयर करूँ। उसके अलावा यहाँ पे देखिए प्लाजो है जो बहुत ही अच्छे यू नो वैरायटी में थे, मुझे अच्छे लगे, बहुत ही वाइब्रेंट है, बट मेरे ख्याल से कुछ रियॉन मिक्स है और कुछ कॉटन में है। उसके अलावा यहाँ बेडशीट्स भी हैं जो आपको कॉटन मटेरियल में है, 200 विदाउट पिलो। एंड गाइज, अभी ना बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं तो प्लीज मुझे सपोर्ट करना। वीडियो में नए हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोग का प्यार, आपका सपोर्ट मुझे चाहिए ताकि मैं और अच्छे वीडियोस आपके लिए ला सकूं। तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे बताना आज का वीडियो कैसा लगा। बाय गाइस।